आज स्कूल का स्पोर्ट्स डे है। सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग खेलों में भाग लिया है। अनिल सबसे दूर बैठा है। वो बहुत ही थका हुआ और उदास लग रहा है। उसकी दोस्त रिया उसके पास आकर उससे पूछती है, अनिल क्या हुआ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। इस साल तुम इतने स्लो क्यों भागे? मैंने पूरे साल प्रैक्टिस नहीं की है, शायद इसलिए। अहमद सर जो कि स्पोर्ट्स के टीचर है अनिल के पास आते हैं। क्या हुआ अनिल, काफी महीनों से मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा है और तुम्हारा वजन भी काफी बढ़ गया है। इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन बढ़ना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सर क्या वजन बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? वो बड़ा हो रहा है, क्या उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए? रिया आपकी उम्र में बच्चों में जितना वजन बढ़ना चाहिए ये उससे काफी ज्यादा है और ये चिंता की बात है। वजन का ज्यादा बढ़ना और शारीरिक व्यायाम न करने की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं। सर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या NCDs ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। गलत खाने और कम एक्सरसाइज की वजह से मोटापा और कुछ खाने से संबंधित नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, कैंसर आदि। सर ये सब बीमारियां तो बुढ़ापे में होती हैं, ये बच्चों को थोड़ी ना होती है। ऐसा नहीं है बेटा, अगर 10 बच्चों का ग्रुप बनाएं तो 5 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, 1 को डायबिटीज और 3% में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। जिन बच्चों का वजन सामान्य से ज्यादा हो तो उनमें इसकी अधिक संभावना होती है, जो अक्सर ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट्स की मात्रा अधिक हो, जिसमें नमक और चीनी की मात्रा अधिक हो और जो व्यायाम नहीं करते या जिनके परिवार में पहले से ही कोई डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज जैसी बीमारी हो, उनमें भी NCDs की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो सर हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? आप सभी को HFSS फूड्स नहीं खाने चाहिए, यानी हाई फैट, नमक और चीनी वाले खाने की चीजें। हाई फैट फूड्स वो खाने की चीज होती है जो तली हुई होती है या जिन्हें बहुत सारे तेल, मक्खन या क्रीम से बनाया गया हो, जैसे कि समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा आदि। हाई सॉल्ट या अधिक नमक वाले खाने की चीजें जैसे चिप्स, पफ्स, नमकीन, अचार, सॉसेस, चटनी इत्यादि। हाई शुगर यानी अधिक चीनी वाली खाने की चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, स्क्वॉश, चॉकलेट्स, मिठाइयां, पेस्ट्रीज इत्यादि। ये आपको मोटा कर सकते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है। तो याद रखिए कि हमें हर रोज संतुलित आहार खाना चाहिए और हर फूड ग्रुप में से खाना चुनें। जैसे हमें कम से कम 5 फल और सब्जियां खानी चाहिए, साथ ही साबुत अनाज और दालें जिसमें अंकुरित दालें, कम फैट्स वाला चिकन, मछली, नट्स, लो फैट दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्याप्त मात्रा में पानी, हेल्दी फैट्स जो फिश, नट्स और वनस्पति तेल में पाए जाते हैं। तो क्या हम सही खाना खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से अपनी रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, पर याद रहे स्वस्थ रहने के लिए हमें दिन में कम से कम 60 मिनट के लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। कोई भी खेल, डांस या व्यायाम जो आपको पसंद हो, ताकि आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। ठीक है सर, मैं आज से ही सही आहार और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दूंगा। हाँ अनिल, पर अगले साल तुम सब प्रतियोगियों से बेहतर होगे। बिल्कुल, गुड लक बच्चों। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।